सो आज की वीडियो एक ऐसी लाइट के बारे में है जो मैं बहुत सारी इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियोस एंड यूट्यूब चैनल्स में देखता था, बट फाइनली इट इज इन इंडिया नाउ। मेरे पास है ये गोडॉक्स का TL60 लाइट का पैक ऑफ 4, और ये बॉक्स बाय द वे ऐसा लगता है कि इसके अंदर पता नहीं कुछ स्नाइपर या कुछ है। एंड बाय द वे, जो आप ये लाइट देख रहे हो पीछे, ये गोडॉक्स की TL60 ही है। तो जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसके अंदर है ये TL60 लाइट ट्यूब। अब सबसे बढ़िया चीज़ इसके बारे में क्या है कि आप 36,000 कलर्स में से कोई भी कलर चूज कर सकते हो एज योर लाइट। एंड इसका जो थ्रो है वो 18 वॉट्स का है, एंड यू गेट 39 डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइट, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड्स हैं, काफ़ी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। देर आर 4 डिफरेंट मोड्स टू कंट्रोल, आई टेक यू अहेड एंड वील डिस्कस दैट। उससे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, लाइक 4 केबल्स आपको मिलती हैं ऑब्वियसली टू चार्ज इट, और चार्ज करने के लिए इसके अंदर ये अडैप्टर्स हैं, चारों अडैप्टर्स चारों लाइट के। एंड उसके बाद आपको मिलता है ये रिमोट। आई शो यू द बेनिफिट ऑफ दिस रिमोट, बिकॉज इससे आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ और एक्सेसरीज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक ये है माउंट करने के लिए। जैसे आप पीछे देखोगे, मैंने लाइट को माउंट किया हुआ है ऑन अ स्टैंड, तो आप ये माउंट यूज़ कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग था, अब मैं इस बॉक्स को साइड में रखता हूँ एंड लेट्स टॉक अबाउट These lights. अब TL60 lights मेरे पास almost एक हफ्ते से हैं, मैंने इसको use करा है, test करा है, और इस video में मैं अपना experience आपके साथ share करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ratings की, because ये एक ऐसी light है I believe which is one of the most color accurate right now in the market, at least जो मैंने try करी है। अगर मैं बात करूँ TLCI rating की, इसका 98 rating है, and CRI rating इसका 96 है, जो इसको काफ़ी color accurate बनाता है। उसके बाद इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, आई टेक यू वन बाय वन थ्रू ऑल द मोड्स। सो ये है TL60 का पैनल जो आपको नीचे की तरफ दिखेगा, यहाँ पे काफ़ी बटन्स हैं, आई टेक यू वन बाय वन। सबसे पहले है यहाँ पे कनेक्शन का बटन, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ब्लूटूथ एंड वाईफाई का, जिसको आप सेट करके अपने रिमोट को या फिर मोबाइल ऐप को एक्सेस कर सकते हो। DMX का भी ऑप्शन है जैसे मैंने बताया था, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिल्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं, रॉस्को और ली दोनों ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज मैं रॉस्को पे जाता हूँ, सो यू हैव ऑल दीज फिल्टर्स, आपको यहाँ पे कोड नेम दिख जाएंगे, सो आई कैन जस्ट स्विच बिटवीन दीज। तो आप देख रहे हो मैं जैसे जैसे नेक्स्ट जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे अलग अलग कलर प्रीसेट्स दिख जाएंगे, सो यू कैन चूज वन ऑफ दीज प्रीसेट्स अगर आप एक पर्टिकुलर कलर टोन के लिए जाना चाह रहे हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ली में जाता हूँ एंड फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सारे ली के जो 20 फिल्टर्स हैं वो यहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद मेरे पास अलग अलग मोड्स हैं, सबसे पहले मैं हूँ CCT मोड में। CCT मोड में आप कलर टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, अभी 5600 पे है, अगर मैं इसको एकदम नीचे लेके जाता हूँ वार्म टोन में, सो मिनिमम इसका 2700 केल्विन जाता है, और जो मैक्सिमम है इफ़ आई टेक इट ऑल द वे अप टू 6500, तो आपको इस तरह का टेम्परेचर मिल जाता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, नेक्स्ट मोड पे आप जाओगे तो आपको HSI का मोड मिलेगा। HSI में बेसिकली आप ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी का कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो। ह्यू में यू हैव लाइक पूरा 360 डिग्री स्पेक्ट्रम है, आप किसी भी, अगर मैं ह्यू पे जाता हूँ, आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए ये मिला हुआ है जो मुझे काफ़ी सही लगता है, तो आप इसको रेफर करके आप कोई भी ह्यू का नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली अगर मैं सैचुरेशन पे जाता हूँ, तो मैं उस कलर का सैचुरेशन यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ टू मैच अ पर्टिकुलर कलर जो मैं चूज़ करना चाह रहा हूँ। इंटेंसिटी के लिए मुझे डिम पे क्लिक करना पड़ेगा, डिम पे क्लिक करके आप 1 to 100 के बीच में इंटेंसिटी सेट कर सकते हो। लेट मी शो यू, ऑल द वे अप टू 0 एंड ये है 1, और अगर मैं इसको इंक्रीज करता जाऊँगा आई कैन टेक इट ऑल द वे अप टू 100, और ये है इसका मैक्सिमम 18 वॉट का आउटपुट। उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट मोड है ये है आपके अलग अलग फिल्टर्स। तो अभी आप जो पहला फिल्टर देख रहे हो, साइकिल हो रहे हैं अलग अलग कलर्स, देन मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये फ्लैश इफेक्ट है, लाइटनिंग इफेक्ट अगर आप देना चाह रहे हो, देन ये आपको एक डिस्को या पार्टी इफेक्ट मिल जाता है, देन द नेक्स्ट वन इज़ फ्लैश इफेक्ट लाइटनिंग, और ये फॉल्टी बल्ब का इफेक्ट है, अभी देखोगे आप हल्का सा फ्लिकरिंग होगा, सो ये आप अपनी प्रोडक्शन जो वीडियो की कर रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो। TV फ्लिकरिंग का इफेक्ट है, लाइक इफ़ यू वांट टू शो समवन वाचिंग TV, देन कैंडल का डिम एंड ये वाला इफेक्ट है, देन बॉनफायर इफेक्ट, देन यू हैव फायरवर्क इफेक्ट, देन एम्बुलेंस और पुलिस कार इफेक्ट, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये जो म्यूज़िक इफेक्ट है ये सबसे मेरा फेवरेट रहता है इस लाइट में। अभी आप देख रहे हो मैं चुप हो रहा हूँ तो लाइट बंद हो जाएगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से ये जो लाइट है
ये इस तरह से चलेगी। और जो नेक्स्ट है वो ऑब्वियसली SOS आपका इफेक्ट है जो लाइट एंड ब्लिंक चलता रहे। सो ये है बेसिकली आपका पूरे पैनल के कंट्रोल्स। अब अगर मैं बात करूँ कि इस लाइट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इन टोटल यहाँ पे 4 मेथड्स हैं जो अलाउ करते हैं आपको इन लाइट्स को या तो इंडिविजुअली या कॉम्बो में यूज करने के लिए। सबसे पहला मीडियम है, ऑब्वियसली आपको लाइट के पीछे पूरा पैनल मिलता है, उससे एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड मेथड है जो मैं पर्सनली काफी फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, वो है यूजिंग दिस रिमोट। अब ये रिमोट अगर आप इसमें कॉम्बिनेशन करेक्ट सेट कर देते हो, यूजर्स हैव टू मेक श्योर कि आपका चैनल ग्रुप और ID नंबर जो इस रिमोट में सेट है वो सेम आपके लाइट में सेट होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगी, मैं इस रिमोट को यूज करके जो मेरे पास 4 लाइट का सेट है, मैं चारों लाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मेरे सेट पे 4 लाइट्स लगी हैं, मुझे इंडिविजुअली जाके कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रिमोट। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आप ये लाइट देख रहे हो और जो पीछे लाइट लगी हुई है, दोनों सिंक है, सेम ग्रुप चैनल और ID नंबर है। अब लेट्स सपोज यहाँ से अगर मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हो क्लिक करते ही कलर चेंज हो रहे हैं। तो अगर ये लाइट्स मेरे सेट पे लगी होती, मुझे सिर्फ यहाँ से एक बटन दबाना है और मेरे कलर्स चेंज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कुछ इफेक्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गो विद RGB मोड या कुछ भी कॉम्बिनेशन मुझे करना है, मैं इस रिमोट के साथ कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेथड जो है वो है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन। अब गोडॉक्स की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको यूज करके आप यही सेम चीजें कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया चीज मुझे आपकी क्या लगी कि आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप कोई भी एक कलर रेफरेंस ले सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास कोई फोटो है, आपने फोटो लिया, कोई भी कलर आप अपने हिसाब से चूज करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, और वो सेम कलर रेप्लीकेट हो जाएगा आपकी TL60 लाइट्स में। और लास्ट मेथड है कि आप DMX आउटपुट यूज कर सकते हो। अब DMX कंट्रोलर भी आते हैं अलग से, वो इसके साथ कंपेटेबल हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। दूसरा चीज है कि इसके साथ आपको केबल्स मिलती हैं जिनको आप चारों लाइट्स या मे बी 2 या 3 लाइट्स को केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और सिर्फ जो आप एक लाइट में चेंज करोगे वो बाकी लाइट्स में भी रेप्लीकेट हो जाएगा। आपको इंडिविजुअली लाइट को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, जो मुझे अगेन काफी अमेजिंग चीज लगी। बाकी अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं, जितना मैंने यूज करा है अराउंड 2 से 2.25 घंटे का मुझे बैकअप मिल जाता है एट फुल चार्ज, और चार्जिंग भी इसकी फास्ट है, इतना कुछ स्लो चार्जिंग नहीं है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूस यूज करना चाह रहे हो 2 घंटे से ज्यादा, तो आपको पावर सप्लाई मिलता है, उसके साथ आप कंटिन्यूसली शूट कर सकते हो विदाउट एनी ब्रेक। तो अब बात करते हैं कि TL60 लाइट एक्चुअली है किन यूजर्स के लिए। देखो जितना मैंने इसको यूज करा है, मुझे समझ आए कि अगर आपका वीडियो प्रोडक्शन का काम है या आप मे बी यूट्यूब वीडियोज बनाते हो, जैसे पीछे मैंने लाइट को यूज करा है, तो इस तरह के यूजेस में आप ले सकते हो। एंड आई थिंक मल्टीपल लाइट जब आपके सेट में लगती हैं, जो आप म्यूजिक वीडियोज में देखते होगे, वो सेम चीज आप इन लाइट को पेयर करके बना सकते हो। गोडॉक्स राइट नाउ हैज ऑप्शंस, आई थिंक एक लाइट का ऑप्शन है, 2 का भी सेट आता है, 4 का भी आता है, जैसे मेरे पास जो है वो 4 का सेट है। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज आप उस हिसाब से लाइट प्लान कर सकते हो। इसके जो बेस्ट बाय लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आपको प्राइसिंग का आइडिया लग जाएगा कि ये लाइट्स कैसे प्राइस हैं। बट आई थिंक जिस प्राइस पे लाइट आती हैं, इट टोटली जस्टिफाइज। आउटपुट बहुत अच्छा है, कलर एक्यूरेसी है, और बहुत सारे मोड्स आपको मिलते हैं जिनके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी एंड द आउटपुट ऑफ दिस लाइट। सो मेरा यही व्यू है, बाकी इसको मैं थोड़ा और डिटेल में यूज़ करूँगा इन फ्यूचर, अगर चांस लगा तो इसका डिटेल रिव्यू भी बना देंगे। आप लोग कमेंट करके बताना अपने व्यूज अबाउट गोडॉक्स TL60। आई लव टू नो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।